इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 का ये चैप्टर 7 है, और इसमें हम लोग आज देख रहे हैं वॉल्यूंट्री एंड इनवॉल्यूंट्री एक्शन। तो ये वॉल्यूंट्री एक्शन क्या है? वॉल्यूंट्री मीन्स इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए पर्सन, जो हमारे कंट्रोल में होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूंट्री एक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, ये सब है, ये हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा होगी तो अभी पढ़ेंगे, नहीं तो कोई कितना भी बोलते रह जाए हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं वो हो गया वॉल्यूंट्री एक्शन। वॉल्यूंट्री मीन्स इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए पर्सन, जो पर्सन के कंट्रोल में है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राइटिंग, रीडिंग, एटीसी कर दीजिए। दूसरा है इनवॉल्यूंट्री। इनवॉल्यूंट्री मीन्स इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए पर्सन, जो कि पर्सन के कंट्रोल में नहीं है वो हो गया इनवॉल्यूंट्री एक्शन। दैट इज हार्ट बीट। ये हार्ट बीट क्या है? ये धड़कते रहता है, ये ऐसे ऐसे होते रहता है। जिस दिन ये ऐसा होना बंद हो गया है, इसका मतलब कि आप भी समझ रहे हैं क्या होगा। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको कि हम इसको रोक नहीं सकते हैं। जब रुकेगा तो कुछ और बात हो जाएगी। तो ये हो गया इनवॉल्यूंट्री एक्शन। तो आप समझ गए वॉल्यूंट्री क्या है। वॉल्यूंट्री मीन्स हो गया, एक बार और देखिए, जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में है। इट मीन्स इट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए पर्सन, दैट इज राइटिंग। ये हो गया वॉल्यूंट्री एक्शन। इनवॉल्यूंट्री एक्शन मीन्स इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए पर्सन, दैट इज हार्ट बीट। आगे हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस आधार पर ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन? ए रिफ्लेक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स ए रिसेप्टर ऑर्गन्स। इसके पहले वीडियो में आपको डायग्राम में दिखाया गया था। ये ए रिफ्लेक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स ए रिसेप्टर ऑर्गन। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक रिसेप्टर ऑर्गन है, एंड इफेक्टर ऑर्गन एंड सम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। व्हेन ए सेंसरी रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड, व्हेन ए सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंस ऑर्गन जो रिसीव करता है मैसेज को, इज स्टिमुलेटेड, वो स्टिमुलेट हो जाता है, मीन्स एक्शन में आता है। स्टिमुलेटेड सिग्नल्स पास फ्रॉम इट अलोंग ए सेंसरी न्यूरोन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ तक पहुँचाता है मैसेज को? तो स्पाइनल कॉर्ड तक कौन पहुँचाता है? सेंसरी न्यूरोन कहाँ तक पहुँचाता है? स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को पहुंचाता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, अभी हम लोग देखें कम्युनिकेशन नेटवर्क। कॉर्ड, द मैसेज ट्रेवल्स आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अलोंग ए मोटर न्यूरॉन टू द इफेक्टर ऑर्गन। आप अभी रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क पाथवे में देखे थे कि इफेक्टर ऑर्गन जो कि मसल्स होता है, ठीक है, और ए ग्लैंड विच शोज द रिस्पॉन्स, जो कि उस तरह से रिस्पॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड जो डिसाइड करेगा, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को कहाँ तक पहुँचाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन को मैसेज देता है
और ये मैसेज जहाँ इफेक्टर ऑर्गन से जहाँ पर टच किया गया है वहाँ तक ये मैसेज को पहुँचाता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन। ये स्टार्टिंग में सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देता है, तब वो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन को देता है, उसके बाद ये मोटर न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन के पास मैसेज को पहुंचाता है कि वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स देना है। सच ए पाथवे इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इस पाथवे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इन मोस्ट केसेस हाउएवर द बेसिक physiological mechanism behind a reflex is more complicated than the reflex arc theory. Additional nerve cell is capable of communicating with the part of the body are present in reflex circuit. इस तरह से आपको सर्किट का वो पाथवे जो है आपको ड्रॉ करना है। यहाँ जो ये पाथवे दिखाया गया इसको एक बार और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अभी जो हम लोग मेकानिज्म ऑफ अभी हम लोग देख रहे थे रिफ्लेक्स एक्शन, उसमें ये इसी डायग्राम पर वो सारा हम लोग पढ़े अभी। तो ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये सेंसरी नर्व है, ये क्या करता है, जो यहाँ पर हम लोग टच किए थे स्टिमुलस जो था हीट था वो हमारे स्किन इसको रिसीव किया, रिसेप्टर ऑर्गन है, और सेंसरी नर्व ये स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को पहुँचाया कि वहाँ पर हमने हॉट प्लेट को टच किया है। अब क्या करना है, हॉट प्लेट को छोड़ना है, क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड देता है मोटर नर्व को, और मोटर नर्व वो इफेक्टर ऑर्गन्स में वहाँ पर मसल्स भी है चुके हैं स्किन के साथ, तो वहाँ पर मसल्स को हम लोग बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स, तो वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाता है और उसके अनुसार वहाँ पर वो गर्म विथड्रॉल ऑफ हैंड जो हो रहा है ये रिस्पॉन्स हो रहा है। तो ये यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड ये डिसाइड करता है, उसके अनुसार ये रिस्पॉन्स होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मेकानिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन अभी हम लोग देख रहे थे उसमें यही था, और अब हम लोग इसमें देख रहे थे उसके अनुसार अभी हम लोग देखे तो ये मेकानिज्म हम लोग देख रहे थे। एक बार और आप देख सकते हैं इसमें ए मेकानिज्म रिफ्लेक्स मेकानिज्म इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्स मेकानिज्म इन्वॉल्व्स ए रिसेप्टर ऑर्गन। अभी आप देखे कि रिसेप्टर ऑर्गन रिसीव किया, क्या था रिसेप्टर ऑर्गन में, स्किन एंड इफेक्टर ऑर्गन। यहाँ पर देखिए ये है फिर सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ये सेंस ऑर्गन कहाँ था स्किन के पास वो कहाँ पहुँचाया, टच किया तो ये स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को पहुँचाया। पहले क्या था कि स्किन जो है हमारा सेंसरी न्यूरॉन हो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को पहुंचाया, उसके बाद ये मोटर न्यूरॉन को कौन स्पाइनल कॉर्ड ये स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन को मैसेज दिया, इन्फॉर्मेशन दिया जो कि इफेक्टर ऑर्गन तक उसको पहुंचाया। इस तरह से इफेक्टर ऑर्गन उसमें हम लोग देखे थे हमारा मसल्स था और उसके अनुसार रिस्पॉन्स हुआ, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इस पाथवे को बोलते हैं जो अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा है। तो ये है रिफ्लेक्स आर्क पाथवे। पाथवे आएगा तब आपको ये डायग्राम बनाना है, और नहीं तो उसके बाद एक रिफ्लेक्स आर्क का आपके बुक में डायग्राम है NCERT में वो बनाइएगा, हॉट प्लेट का जो डायग्राम दिया हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम।
क्या हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसमें कितने पार्ट हैं ये डिवाइड किया गया है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का चार्ट भी बना हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम अभी हम लोग देख रहे थे, नर्वस सिस्टम का यूनिट पहले भी हम लोग पढ़े हैं, वो है न्यूरोन। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पार्ट अब बताया जा रहा है कि कितने पार्ट में ये डिवाइड है। द नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट में अब क्या आ गए, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। कौन है वर्टिब्रेट में, इंक्लूडिंग ह्यूमन। हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम अभी देख रहे हैं। तो द नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स इज डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स को मींस ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CNS। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। यहाँ पर देखिए, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं PNS। द CNS इज द मेजर डिवीजन एंड कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। और क्या है इसमें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अभी हम लोग चार्ट देखेंगे। द स्पाइनल हम लोग आगे देखते हैं, इस चार्ट को देखते हैं। ये है आपको, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं कंटेंट द, आगे हम लोग लाइन देख चुके हैं स्पाइनल कॉर्ड, व्हाइल द क्रैनियल कैविटी कंटेंट्स द ब्रेन। इसमें हम लोग एक बार चार्ट में देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखिए इसको आप ध्यान से इस चार्ट को उतारेंगे भी कॉपी में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग में इसको हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये कौन कौन सा पार्ट्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं CNS। ये फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आता है, कभी कभी ये तीनों नाम दिया रहता है, इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है CNS। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं PNS। और तीसरा पार्ट है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ANS। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसको ऑटोनोमस भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ ऑटोनॉमिक लिखा हुआ है, ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो ये देखिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1, 2 और 3, थ्री पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं ये थ्री पार्ट्स कौन कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये अब देखिए अलग अलग फिर यहाँ पर चार्ट में दिया गया है, बहुत ही सुंदर है, इसको हम लोग देखते हैं। ये इसका पार्ट है, ये किसका है, ये CNS को हम लोग देख रहे हैं पहले। तो CNS को ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आप देख रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ शॉर्ट में लिखा है, यहाँ ऊपर देखिए दिया हुआ है, इसी का है ये शॉर्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं पीएनएस, ये है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये क्या है? क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। इस तरह से आगे हम लोग देख रहे हैं एएनएस, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें कि इसका तो कोई यहाँ पार्ट नहीं है, डिवीजन नहीं है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे सीएनएस और पीएनएस को और भी पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एएनएस ये अभी आप देखिए किससे है, ये तो ये यहाँ से आ रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसका है, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर बारी बारी से हम सबका फंक्शन भी देखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट में पीएनएस, ये है क्रैनियल नर्व्स और बताया गया अभी स्पाइनल नर्व्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्रैनियल नर्व्स एराइज फ्रॉम द ब्रेन, ये कहाँ से ये एराइज हुआ है, तो ये ब्रेन से एराइज हुआ है, ठीक है। ये है स्पाइनल नर्व्स, ये एराइज हुआ है स्पाइनल कॉर्ड से, जो हम वर्टिब्रेट हैं उसके अंदर से, ये एराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ देखिए ये कि कहाँ से है, इससे स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व है, एराइज फ्रॉम कौन एराइज हुआ है, स्पाइनल नर्व्स कहाँ से एराइज हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड से। इसको आप ऐसे समझिए कि एराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड यहाँ दिया हुआ है, यानी कि ये जो स्पाइनल नर्व से, ये कहाँ से एराइज हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड से, और ये हमारे वर्टिब्री के अंदर से चला जाता है सब जगह, इसी तरह से हमारे बॉडी में ये स्पाइनल नर्व्स जाता है। तो ये स्पाइनल नर्व्स कहाँ से एराइज होता है, स्पाइनल कॉर्ड। उसी तरह से ये क्रैनियल नर्व्स जो है, ये नर्व्स ये ब्रेन से एराइज हुआ है, ये आप ध्यान देंगे कहाँ से एराइज हुआ है, ये क्रैनियल नर्व्स ब्रेन से एराइज हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट ये जो इसका भी पार्ट हम लोग आगे ज़्यादा नहीं देखे थे, तो इसमें ब्रेन भी, फिर ये ब्रेन ये जो है ये कहाँ से आया हम लोग देख रहे हैं, देखिए सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अभी बताया गया इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन का को फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसको, ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इस तरह से इस चार्ट को आप उतारेंगे। आगे हम लोग देखते हैं ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं ह्यूमन ब्रेन क्या, हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ब्रेन, इट इज एनक्लोज्ड इन क्रैनियम, मींस ऊपर का जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं खोपड़ी, जिसको ऐसे हम लोग बोलते हैं अपने जनरल भाषा में, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स, ये जो है ऊपर से वाला लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियम, क्या बोलते हैं, क्रैनियम। इट इज एनक्लोज्ड, ब्रेन कहाँ रहता है, तो ये ब्रेन हमारा क्रैनियम के अंदर होता है, ठीक है। ये ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन ये आपको दिखाया गया है, ये है ह्यूमन ब्रेन, ये ह्यूमन ब्रेन कहाँ है, तो ह्यूमन ब्रेन क्रैनियम के अंदर होता है, ब्रेन बॉक्स इसको हम लोग बोलते हैं, और एंड इज प्रोटेक्टेड बाय क्या चीज़ से प्रोटेक्ट होता है, सेरेब्रल
सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड, ये क्या है, इसके अंदर में क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। अचानक कुछ हम लोग सोचते हैं, वैसा चीज़ सुनते हैं कहीं से, तो ये क्या करता है, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर देता है, ज़्यादा ब्रेन पर भार पड़ने नहीं देता है। ह्यूमन ब्रेन हैज थ्री मेजर पार्ट्स और रीजियन। ह्यूमन ब्रेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड किया। इसमें क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो अभी आप चार्ट में देखें, यहाँ भी देख रहे हैं फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और ये ब्रेन किसका डिवीजन था हम लोग देख रहे थे, तो CNS का ये फर्स्ट डिवीजन है, ये है, यहाँ अभी हम लोग देखें फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आगे हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं सबका, देखिए इसमें फंक्शन है और ये सब को आप कॉपी में उतारेंगे। फॉर ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम, इसका दूसरा नाम क्या है, ये आता है एग्जाम में, फॉर ब्रेन का क्या नाम है, ये एग्जाम में परीक्षा में आता है, तो आप ये दोनों नाम याद रखेंगे, ये आप दोनों नाम याद रखेंगे, ये है फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। आगे हम लोग देख रहे हैं इसमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम। ब्रेन का जो मोस्ट स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम, सेरेब्रम और द फॉर ब्रेन। ये मोस्ट स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है, सेरेब्रम या फिर फॉर ब्रेन। आगे देखते हैं कि ये फॉर ब्रेन का या सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ फॉर ब्रेन। पहला, ये थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में सोचने का काम करता है। दूसरा है कंट्रोल द वॉल्यूंट्री एक्शन, वॉल्यूंट्री एक्शन हो रहा है जिसको कि हम लोग सोच समझ कर काम करते हैं, वो है वॉल्यूंट्री एक्शन। तो ये ब्रेन हमारा काम करता है, वॉल्यूंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। आगे हम लोग देख रहे हैं स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये मेमोरी, हम लोग बचपन से बहुत सारी बातों को याद रखते हैं, तो ये स्टोर करने का काम कौन करता है, ब्रेन। ब्रेन हमारा ये स्टोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। इसके बाद फोर नंबर है सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, ये हम लोग सोचते हैं क्या भूख लगी है नहीं लगी है, ये इससे रिलेटेड है। पांचवा है रिसीव्स सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड इंटीग्रेट्स इट, ये क्या करता है, रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड इंटीग्रेट्स इट। तो इस तरह से अभी हम लोग देख रहे थे फॉर ब्रेन का फंक्शन। दूसरा है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, मिड ब्रेन इट कनेक्ट्स द फॉर ब्रेन विथ द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन और फॉर ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है कौन, मिड ब्रेन, इसका ये फंक्शन है। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोग ये जो डिवीजन देख रहे हैं किसका देख रहे हैं, CNS, इसलिए ये यहाँ पर आया है, पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विथ विजन
हियरिंग, मोटर कंट्रोल, स्लीप, वेक, एरोजल, अलर्टनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। किस किस चीज़ से एसोसिएटेड है ये? विजन देखने से है, ठीक है, विजन है, सुनने से है, मोटर कंट्रोल से है, स्लीप है, सोते उठते जागते हैं हम लोग, सारा ये किससे होता है, और टेम्परेचर जो रेगुलेट होता है बॉडी का, ये सब मिड ब्रेन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है, अब हम लोग जो देखेंगे ये है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन में हम लोग देख रहे हैं हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, ये तीन पार्ट में डिवाइड है, जिसको कि आपको चार्ट में नहीं दिखाया गया था क्योंकि वहाँ पर लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, इसलिए इसको अलग से दे दिया गया है। ये डिवीजन है हाइंड ब्रेन का, ठीक है, आप उस चार्ट में भी ऐड कर सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं हाइंड ब्रेन। तो ये नाम है सेरेबेलम, एक जगह आया था सेरेब्रम, कंफ्यूज नहीं होना है, वो कहाँ आया था, फॉर ब्रेन में, और ये है सेरेबेलम, मेड्यूला और पॉन्स, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं सबका अलग अलग फंक्शन है इसमें भी, तो सेरेबेलम का फंक्शन क्या है ये हम लोग देख रहे हैं। सेरेबेलम, सेरेबेलम के फंक्शन को हम लोग देख रहे हैं, मेंटेन्स, सेरेबेलम का फंक्शन क्या है ये, सेरेबेलम मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी को बैलेंस बनाने में ये हेल्प करता है, और ये पोस्चर है हमारा जो बॉडी का, और बैलेंस बनाने में ये सेरेबेलम हेल्प करता है। और दूसरा है कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो ये इस तरह से इसका फंक्शन हो गया। दूसरा हम लोग देख रहे हैं मेड्यूला, मेड्यूला ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, इसका कहीं कहीं पे पूरा नाम आपको मिलेगा, ये है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, मेड्यूला, यहाँ पर केवल मेड्यूला लिखा हुआ है, ऑब्लोंगाटा होता है उसका स्पेलिंग, ए बी ऑब एब लॉन्ग एल ओ एन ऑब्लोंगाटा जी ए टी ए, यहाँ पे आप लिखेंगे मेड्यूला ऑब्लोंगाटा इसका पूरा नाम है। ये क्या है, कंट्रोल्स इनवोल्यूंट्री एक्शन, ये क्या करता है, किसको ये कंट्रोल करता है, इनवोल्यूंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन और वॉमिटिंग, इसको ये कंट्रोल करता है मेनली। नेक्स्ट है पॉन्स, इनवोल्यूंट्री एक्शन को कुछ को ये करता है कंट्रोल, और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन को मेनली रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये तीनों का किसका हम लोग अभी फंक्शन देख रहे हैं, डिवीजन देख रहे थे हाइंड ब्रेन का, ये हाइंड ब्रेन का डिवीजन है सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और पॉन्स। कहीं कहीं पर इसका नाम भी पॉन्स भैरोली करके भी दिया हुआ है, ऐसे आप इतना भी याद रखेंगे तो ये चलेगा। तो हाइंड ब्रेन का हम लोग ब्रेन के तीनों पार्ट का भी देख रहे थे फंक्शन। आगे देखते हैं, ये है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ऐसे स्ट्रक्चर बहुत कम आता है, कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में ये स्ट्रक्चर कम ही आता है बनाने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम में इसमें ये चीज़ देता है कि जैसे ये डायग्राम बना हुआ रहता है और कोई कोई लेवलिंग छूटा हुआ रहता है, तो आप लेवलिंग को याद रखेंगे कि कहाँ पर कौन सा पार्ट है, वो डायग्राम देखकर फिर धीरे धीरे समझ में भी आने लगता है, तो आप इसको अपने से भी करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को, ये दिया हुआ है, ये है फॉर ब्रेन। दूसरा है देखिए, ये जो पार्ट है ये आपको दिखाया जा रहा है, ये पार्ट है मिड ब्रेन, यहाँ एक लेवलिंग है, ये है कॉर्पस
कैलोसम, क्या यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से इम्पॉर्टेंट जो नाम है वो आपको बताया जा रहा है। ये फॉर ब्रेन, अभी आप देखें ये जो पोर्शन है ये मिड ब्रेन का पोर्शन है, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हाइंड ब्रेन, यहाँ ये लेवलिंग है, देखिए ये हाइंड ब्रेन है, यहाँ नीचे वाला जो पार्ट है उसको आप याद रखेंगे, ये यहाँ तक के पार्ट को, यहाँ तक देखिए ये है पार्ट, ये कहाँ से कहाँ तक ये दिखाया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को ये दिखाया गया है, ये है हाइंड ब्रेन। इसके जस्ट ऊपर देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी हम लोग पढ़ेंगे आएगा उसका पोजीशन भी कहाँ पर है ब्रेन में, ये हम लोग देखेंगे। और ग्लैंड आप देखे थे एक बार और बहुत पहले ब्रेन में, आप पढ़े हैं क्लास 8 में। तो इस तरह से ये है हाइंड ब्रेन का, 3 पार्ट हम लोग देखे थे, सेरेबेलम, मेड्यूला और पॉन्स, ये तीनों, ये हो गया पॉन्स, यहाँ वाला पार्ट हो गया मेड्यूला और ये हो गया सेरेबेलम। तो इस तरह हम लोग फॉर ब्रेन का पोजीशन देखें, बता रहा है यहाँ पर देखिए नीचे में है ये, आप यहाँ ये ध्यान देंगे कि ये जो यहाँ लेवलिंग है स्पाइनल कॉर्ड, ये है यहाँ थोड़ा नीचे में दिखाया गया है, क्योंकि यहीं से स्पाइनल नर्व वर्टिब्रेट से होकर सब जगह ये जाता है, तो यहाँ पर ये क्या है स्पाइनल कॉर्ड। अब एक बार फिर से हम लोग डायग्राम में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए अभी बताया गया था ब्रेन का जो कवरिंग है ये किस चीज़ से है, तो ये है क्रैनियम से, जिसको कि एस्कल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर ब्रेन का पार्ट यहाँ दिखाया गया, यहाँ है देखिए ये सेरेब्रम, सेरेब्रम कहीं पे लेवलिंग आया था, ये फॉर ब्रेन का ही पार्ट है, ये है सेरेब्रम, ये जो पार्ट दिखाया गया है ये है सब सेरेब्रम, और ये एस्कल है जो आउटर कवरिंग है हमारा ब्रेन का, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियम, जिससे हमारा ब्रेन कवर रहता है, इंजोरी से यही एस्कल बचाता है, ये है क्रैनियम। इस तरह से हम लोग देख रहे थे ब्रेन का डिवाइड किया गया जो पार्ट था वो कहाँ पर, इसका पोजिशन है, तो आप पोजीशन को ज़्यादा याद रखेंगे, डायग्राम भी बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं, बहुत अच्छा बच्चे बनाते हैं डायग्राम, तो आप इसका डायग्राम बनाएंगे और लेवलिंग करेंगे, तो जब डायग्राम बनाकर आप लेवलिंग करिएगा तो आपको ये नाम भी याद रहेगा, और जैसे भी एग्ज़ाम में जिस तरह से भी आएगा क्वेश्चन आप आसानी से इसको टच कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं ब्रेन, ब्रेन हम लोग देख रहे हैं, द ह्यूमन ब्रेन इज द कमांड, द ह्यूमन ब्रेन इज द कमांड फॉर द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, कमांड करता है, इट कमांड सेंटर है, ये हर तरह का यहाँ पे कमांड, ये रिसीव्स इनपुट, इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स, ये जो सेंसरी ऑर्गन है उसके थ्रू ये रिसीव करता है, इनपुट मीन्स मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को ये रिसीव करता है, और रिसीव करके कौन लाता है आगे ही हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, एंड सेंड्स आउटपुट टू द मसल्स, और ये मसल्स तक आउटपुट को पहुंचाने में भी हेल्प करता है। द ह्यूमन ब्रेन हैज द सेम बेसिक स्ट्रक्चर एज अदर मैमल ब्रेन्स, बट इट इज लार्जर इन रिलेशन टू द बॉडी, इन रिलेशन टू द बॉडी साइज देन एनी अदर ब्रेन, ये बॉडी साइज के अनुसार भी ये डिपेंड रहता है, ऐसे ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, मैमल्स का, ह्यूमन में ये बड़ा साइज होता है, चूँकि ह्यूमन में सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होती है इसलिए ये ह्यूमन में बड़ा साइज होता है। आगे देखते हैं ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ए फ्लूइड,
ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाई ए फ्लूड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड, जो एक बार हम लोग पहले देख चुके हैं, विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, जिसको कि हम लोग शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। किसको? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड को हम लोग बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, ये इट हैज सेवरल लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेवरल, इसमें लेयर होते हैं, कई, ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कई, तीन लेयर होते हैं। ये एक है, ये ऊपर वाला लेयर है, उसके बाद ये फर्स्ट लेयर ऊपर में है, बीच में भी आप एक देख रहे हैं और एक नीचे भी है लेयर। इस तरह से इसमें कितने लेयर हो गए? 3 layers। इसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से में ही है इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम। अभी आपको बताया गया ना कि स्पाइनल कॉर्ड किससे इनक्लोज्ड है, इसे स्पाइनल नर्व्स भी जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए वर्टिब्रेट में ये बताया जा रहा है। वर्टिब्रेट में हमारे बैक साइड में वर्टिब्री होती है, जिसके कि चलते कि हम कहीं भी कोई आवाज़ सुनते हैं तो अचानक पीछे की ओर मुड़ते हैं, तो इस तरह से ये है। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए यही है, आप डायग्राम बनाएंगे और ये छोटा छोटा नोट्स की तरह है, इसको हम लोग फिर आगे के वीडियो में देखें, ये उसमें आप बनाइएगा। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।